बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, एज़ यू नो वी हैव कंप्लीटेड ट्रांसलेशन ऑफ आवर यूनिट नंबर 1 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स एक्सरसाइज। सो आई स्टार्ट फ्रॉम ग्लोसरी पेज नंबर 7 एंड द फर्स्ट वर्ड इज़ अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड मीन बेमिसल, लासानी, and its synonym will be unmatched. Its meaning will be unmatched, that have no match. And the second is dunes, means tile, sandy hills, ret ke tile. And the next word is dazzling. Dazzling means hira kun aankhon ko chundhya dene wali roshni, yani ki aisi roshni ya aisi chamakdar cheez कि जिसके सामने इंसान आंखें ना खोल सके या जिसको फौरन देखते ही आपकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएं, ऐसी रोशनी को हम डैजलिंग कहेंगे, ऐसी शुआओं को हम डैजलिंग रेज का नाम जो हम देंगे। और द नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मीन्स मंत का हारा, ज़मीन का वो हिस्सा, ज़मीन को जिस तरह से मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड उन्होंने किया होता है, ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर सूरज अपनी पूरी आबोताब से साल के ज़्यादातर हिस्से में जो है चमकता है, उसको मंत का हारा का नाम दिया जाता है। तो इट्स नियर अबाउट मीनिंग इसका जो है वो बनेगा, वो वेरी हॉट होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एलोक्वेंस। एलोक्वेंस फसाहत, बलागत, फ्लुएंसी, के एलोक्वेंस ऐसी इंसान की सलाहियत है कि जिसमें इंसान जो है किसी ज़ुबान को बग़ैर किसी रुकावट के अच्छे अल्फाज के साथ बोल सकता है। हेयर एलोक्वेंस इज़ गिवन एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ एलोक्वेंट इन सम बुक्स एंड आई हैव करेक्टेड इट एज फ्लुएंसी। इफ़ देर वॉज एलोक्वेंट देन देर वुड बी फ्लुएंट, सो द पैरेलल टू एलोक्वेंस विल बी फ्लुएंसी, सो आई हैव करेक्टेड एज इट एज फ्लुएंसी। आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन मीन्स अपेरेंस ऑफ समथिंग एंड आमद या जहूर, और इसका जो वर्ड है वो है एडवेंट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन इज इशात। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है इशात, किसी चीज़ का फैलना, किस चीज़ के फैलने के लिए काम करना, उसको हम डिस्पेंसेशन का नाम जो है वो देंगे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ वर्ज। वर्ज किनारा या एज एंड इट्स सिनोनिम विल बी एज। द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्योस। क्योस इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, या उर्दू इसका जो है वो होगा अफरा तफरी, यानी कि जिसमें जो है कोई कानून की पासदारी नहीं होती, कोई असूल वाबत जो है वो कोई एस ओ पीज जो फॉलो नहीं किए हुए होते। एंड इट्स मीनिंग इन आर इट्स अपोजिट विल बी कन्फ्यूजन। और नेक्स्ट वर्ड इज क्रम्बल। क्रम्बल मीन्स टूट फूट का शिकार होना, ब्रेक इन टू पीसेस, एंड इन सिंगल वर्ड कैन बी यूज एज शैटर। सिंगल वर्ड कैन बी यूज एज शैटर, SHATER। And the next word is solitude. Solitude, loneliness. The word is explained as the state of being alone, especially when one feels pleasant. के अकेला होने की हालत या तन्हाई की हालत, के जब ख़ास तौर पर कोई उसमें खुशी या सुकून जो है वो महसूस करता है, कोई अपनी खुशी से तन्हाई इख्तियार करता है। And the next word is meditation. Meditation means think deeply in silence, especially for रिलीजियस रीज़न, के ख़ामोशी से किसी चीज़ पर गहरे तौर पर गौर व खोज करना, ख़ास तौर पर मजहबी वजूहात की बिना पर। एंड द वन वर्ड कैन बी इट्स वन वर्ड कैन बी पोंडर, PONDER, पोंडर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ कंपैशन। कंपैशन गहरी हमदर्दी, एंड द वर्ड इज़ एक्सप्लेन्ड एज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सिंपथी फॉर पीपल हु आर सफरिंग एंड अ डिज़ायर टू हेल्प देम, सो इट्स बेस्ट वर्ड माइट बी
sympathy. And next word is eradicate. Eradicate का मतलब होता है उर्दू में किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना, उसको ख़त्म कर देना. So its synonym will be remove. And the next word is bestowed with. Bestowed confer as a gift, के किसी को gift के तौर पर या तोहफे के तौर पर किसी चीज़ को दे देना. One word it's maybe blessed with and grant. And as the word is in second form, so it can be given as granted. And the next word is proclaim. Proclaim, elan karna, declare karna. The word its synonym is declare. So I move to the next word. The next word is nexus. Nexus means chain, tok. And I have also written the word here, chain, and the word is explained as complicated series of connections. And the next word is pagan, kafir, na manne wala. And its synonym is disbeliever, one who does not believe. And the next word is renounce. Renounce, the word is explained as the state, to state publicly that you no longer have a particular belief. Ke aap publicly, yani ke awam ke samne aap is baat ka ikrar karte hain ki aapka kisi makhsoos aqeedah ke saath koi taluq nahi aur ab aap usko chhod rahe hain. So the words may be synonym, used as synonym may be abandon and abolish. You can use it abandon or abolish. And the next word is demolish. तबाह कर रहा किसी चीज़ को, so its synonym will be destroy. And the next word is dilemma. Dilemma, kashmakash. And the word is explained as a difficult situation forced to choose out of one, to choose one out of two alternatives. के एक मुश्किल सूरत हाल होती है कि जिसमें आपको दो ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं कि दोनों में से कोई एक जो है वो आपने चुनना होता है. इस सूरत को हम क्या कहेंगे, डिलेमा. सो आई हैव रिटन इट्स प्रॉपर सिनोनिम एज कन्फ्यूजन. द नेक्स्ट वर्ड इज़ थियोलॉजी. थियोलॉजी होता है दिनियात, किसी चीज़ की मजहबी तालीमात जो हैं. सो इट्स सिनोनिम माइट बी रिलीजियस बिलीफ. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ एवरलास्टिंग. एवरलास्टिंग, ना ख़त्म होने वाला, अबदी. एंड द वर्ड इज़ एक्सप्लेन्ड एज नेवर एंडिंग. And its proper synonym is eternal, eternal. And the next word is proselytizing. Proselytizing is preaching, तबलीग करना किसी चीज़ के फैलाने के लिए या किसी काम के लिए किसी को कन्विंस करना. And the next word is transformation. Transformation, तब्दीली, especially complete change. So you can say it as change. And the next word is embodiment. Embodiment is living example or model. The last word is embodiment, living or living example or model. So it's end of our lecture. Tomorrow with a new lecture, inshallah.